तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग ऑपरेशन, ठीक है। देखिए रोलिंग में क्या करते हैं, अब एक एक करके हम लोग एक एक ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, रोलिंग डिस्कस करेंगे, फोर्जिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग रोलिंग में, जैसे मान लीजिए कि ये दो रोलर्स हैं, क्या हैं ये दो रोलर्स हैं हाई स्ट्रेंथ के, ठीक है, दो रोलर्स हैं, दोनों का जो साइज है रोलर का सेम है, ठीक है, ये थोड़ा छोटे बड़े दिख रहे होंगे बट सेम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग एक प्लेट ले जाते हैं, ठीक है, एक प्लेट ले जाते हैं, ठीक है, एक प्लेट ले जाते हैं, क्लियर। अब ये जो प्लेट है इसमें हम थोड़ा सा ग्रिपिंग कर देते हैं, जिससे ग्रिपिंग इसलिए कर देते हैं ताकि जिससे प्लेट इन दोनों के रोलर्स के बीच में फंस सके, ठीक है, स्वेजिंग टाइप का कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, बेबलिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्लेट को यहाँ से पुश करते हैं और तब तक पुश करते हैं जब तक कि ग्रिपिंग अच्छे से इन दोनों रोलर्स के बीच में इसकी ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब ग्रिपिंग हो जाएगी तो इस सरफेस और रोलर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से जो रोलर है इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक। तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ ज़्यादा लगना चाहिए, क्लियर। तो अब क्या होगा, जो आपका वर्क पीस है उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब रोलिंग कर रहे हैं तो एक वर्क पीस है जिसकी थिकनेस कितनी है, पहले टी नॉट, अब कितनी हो जा रही है टी एफ, टी फाइनल, ठीक है, कम हो जा रही है। और यहाँ से कौन सा लोड अप्लाई हो रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है और उस कॉम्प्रेसिव लोड के माध्यम से सीट की थिकनेस को हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सीट का, जैसे ये सीट है कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, वो हमने बनाया नहीं है बट कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इस सीट की ये क्या होगी, विड्थ होगी W नॉट। ये आपको इम्पोर्टेंट टर्म है, याद करना है कि इसका जो इधर विड्थ होगा सीट का, जो भी विड्थ होगा वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, निकलने के बाद भी, चाहे रोलर में के पहले देखो चाहे रोलर के बाद, ये अभी भी डब्ल्यू एफ जो है वो W नॉट के क्या होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन है रोलिंग की, ठीक है, कि हम रोलिंग ऐसे करें, रोलिंग हमें ऐसे करना होगा कि जिससे सिर्फ क्या हो, थिकनेस कम हो और लंबाई बढ़े, लेकिन विड्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें रोलिंग करने के लिए साइड से भी सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि जब कंप्रेशन हो तो एक्सपेंशन होगा साइड में, तो जब सपोर्ट दिए रहेंगे हम लोग तो एक्सपेंशन नहीं होने पाएगा, उसका विरोध करेगा वो एक्सपेंशन का, तो उससे एक क्या होगा, अंदर की तरफ कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाई होगा। तो एक कॉम्प्रेशन फोर्स हम ऐसे दे रहे हैं और विड्थ को कांस्टेंट रखने के लिए एक कॉम्प्रेशन फोर्स दूसरे डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो इस तरह से इसमें रोलिंग में कैसा कॉम्प्रेशन आ रहा है, बाई एक्सियल कॉम्प्रेशन आ रहा है, बाई एक्सियल कॉम्प्रेशन आ रहा है, बाई एक्सियल कॉम्प्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टी नॉट क्या होगा, ज़्यादा होगा टी एफ से, ठीक है, थिकनेस घटेगी, क्लियर। अब जो ये स्लैब है ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्लैब या वेलोसिटी ऑफ प्लेट बिफोर एंटरिंग इनटू द रोल गैप, ये रोल गैप है, रोल गैप में एंटर करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एफ। किस वेलोसिटी से निकल रहा है, वी एफ वेलोसिटी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बी नॉट है वो बी एफ से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, इसके पहले क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो जब यहाँ पर एरिया ज़्यादा है यहाँ पर एरिया कम हो जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है वी नॉट इज लेस देन वी एफ, ठीक है, वी नॉट इज लेस देन वी एफ, ठीक है। दूसरा, अब
इसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी कम थी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी सेम प्लेट है और दो अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, एक ही मटेरियल के अंदर दो अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई मटेरियल, कोई भी रिजिड बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर हर एक पॉइंट का क्या होता है, वेलोसिटी सेम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है जो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इस पोजीशन पर मटेरियल का क्या हो रहा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, और जिस रेट से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उतना इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। अब ये जो रोलर है, रोलर घूम रहा होगा, रोलर क्या कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है, रोलर रोटेट कर रहा है। तो जब रोलर रोटेट कर रहा है तो किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, भाई ये फिक्स एक्सिस रोटेशन है, ठीक है, फिक्स एक्सिस रोटेशन है। तो इसका जो, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी मान लें ओमेगा है और रोलर का जो रेडियस है वो मान लें आर है, तो इसका जो सरफेस वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी आर, और वी आर की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा आर के बराबर होगी, ठीक है। बी आर क्या है आपका, रोलर वेलोसिटी, रोलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोलर, बी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर के। मतलब जो रोलर है उस रोलर के हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा इंटू आर, फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, प्लेट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्लियर। तो रोलर के रिस्पेक्ट में भी प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जैसे मान लेते हैं यहां पर जो वेलोसिटी है इसकी प्लेट की वो कितनी है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है प्लेट की, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रोलर की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड है, जो रोलर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, 2 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो वेलोसिटी है ये रोलर की वेलोसिटी से कम है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये रोलर की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी देखें, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट विद रिस्पेक्ट टू रोलर बात करें, विद रिस्पेक्ट टू रोलर बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, रोलर की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो कितना होगा, वी पी माइनस वी आर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट माइनस वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम बीपी की वैल्यू यहां पर देखें तो कितनी है, 2 माइनस, और इंट्रेंस पर, जस्ट जस्ट इंट्रेंस पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जस्ट इंट्रेंस पर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 5, यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। लेकिन एग्जिट पर, एट इंट्रेंस वेलोसिटी ऑफ प्लेट विद रिस्पेक्ट टू रोलर कितना है, -3 मीटर पर सेकेंड। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा, एट एग्जिट वेलोसिटी ऑफ प्लेट विद रिस्पेक्ट टू रोलर कितना होगा, फिर वही बीपी माइनस वीआर, तो ये कितना हो जाएगा, बीपी की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पर एग्जिट पर प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये हमेशा 8 मीटर पर सेकेंड रहेगी निकलने के जस्ट बाद, ठीक है। अब रोलर की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस
5 यानी 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन कैसा पॉजिटिव। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है प्लेट और रोलर की वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो बीच में क्या आएगा, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्रेंस है, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्रेंस, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, ठीक है, एट एग्जिट। तो एंट्रेंस से एग्जिट तक जो वेलोसिटी है वो माइनस से प्लस में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कहीं जीरो आएगा, तो इसका मतलब है ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है एंट्रेंस से एग्जिट तक जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जिस पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है दोनों की, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट। तो वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेट एंड रोलर इज बिकमिंग व्हाट, जीरो, दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर, चलिए इसको लिख लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन के तौर पर, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट एट विच रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्लेट, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्लेट एंड रोलर इज व्हाट, जीरो, दैट पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब है एट न्यूट्रल पॉइंट VP - VR इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, BP इज इक्वल टू VR। तो मतलब हम अब ये भी कह सकते हैं कि द न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ प्लेट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रोलर, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं द पॉइंट एट विच एब्सोल्यूट velocity of plate is equal to absolute velocity of roller, ठीक है। दूसरा दोनों velocity बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है, जैसे हम मान लो यहाँ पर चल रहे हैं, तो जब फर्श और हमारे पैर के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो हम स्लिप करेंगे, और अगर रिलेटिव मोशन हम चल रहे हैं लेकिन जिस टाइम पे हमने पैर रखा रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, जितना अर्थ का वेलोसिटी है उतना ही मेरे पैर का अगर वेलोसिटी हो गया तो हम स्लिप नहीं करेंगे। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी दो मीटिंग, जैसे गियर जब मीट करता है तो दो गियर्स के जो मीटिंग सर्फेसेज होते हैं जब मीट करते हैं उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हम जब भी दो मीटिंग कॉन्टैक्ट सर्फेसेज अगर होंगे, दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेज के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो, या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो उनमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो चूंकि न्यूट्रल पॉइंट पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल पॉइंट इज नो स्लिपिंग पॉइंट। क्लियर, यहां पर स्लिपिंग नहीं होगा, बाकी उस न्यूट्रल पॉइंट के पहले भी स्लिपिंग होगा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद भी स्लिपिंग होगा। क्लियर है, चलिए
नो स्लीपिंग पॉइंट, नो स्लीपिंग पॉइंट, नो स्लीपिंग पॉइंट, क्लियर। अब हमने आपसे कहा कि इस पॉइंट पर, जैसे ये न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को मैं न्यूट्रल पॉइंट अगर बोल दे रहा हूं, ये पॉइंट, और ये कोई जरूरी नहीं ये बीच में हो, कहीं भी हो सकता है, ये इस कॉन्टेक्ट सरफेस के अलॉन्ग कहीं भी हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट, थोड़ा इसको मैं लार्ज करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है। इस फिगर को मिटा देते हैं, या नहीं ऐसे रहने देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी, इसी को मिटाते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन। देखिए ये जो हमने कॉन्टेक्ट सरफेस बनाया है, कॉन्टेक्ट सरफेस एक साइड का दिखाता हूँ मैं, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो न्यूट्रल पॉइंट, क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट, क्लियर। अब जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके पहले जो वेलोसिटी है प्लेट की, वो क्या हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, -3। अब प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना आगे, तो ये और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे ये मान लो 2 था, यहाँ पर 2 -5 कितना हो गया, -3। अब ये 3 -5 -2, 4 -5 -1, यानी कि 2 3 3 2 1 3 2 1, ऐसे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी अगर घट रही है तो रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो रोलर है वो प्लेट को अंदर नहीं आने देना चाहता है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, रोलर के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पर क्या हो रहा है, इस पोर्शन पर जो वेलोसिटी है, अब डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, यहां या डिफरेंस, मतलब ये जो वेलोसिटी है धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे, देखो यहां पर 0 हो गया, अब 0 के बाद डिफरेंस क्या होगा, फिर 1 2 3 बढ़ता जा रहा है भाई, यहां पर मान लो 5 हो गया, 5 -5 0, फिर 6 -5 1, फिर 7 -5 1, फिर 8 -5 3, ऐसे डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी का बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रही हो, इसका मतलब क्या है, एक्सलरेशन हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, मतलब जो प्लेट है वो एक्सलरेट हो रही है, मतलब आगे की तरफ खींच रही है, तो खींच रही है तो कौन खींच रहा है, रोलर। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गई तो प्लेट आगे की तरफ खींचेगा, बराबर हो गई तो प्लेट वहीं पर घूमता रहेगा, कम हो गई तो प्लेट पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ डैश मान लो, तो एफ डैश की वैल्यू एफ से ज़्यादा होगी तो प्लेट अंदर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, नहीं तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो वहीं पर घूमता रहेगा प्लेट आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यही जो न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट के पहले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किसी दूसरे साइड, और न्यूट्रल पॉइंट के बाद फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किसी दूसरे साइड। इसका मतलब हम इसके आगे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसके आगे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, कि इट इज द पॉइंट एट विच फ्रिक्शन फोर्स चेंजेज इट्स डायरेक्शन अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट इंपॉर्टेंट था, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं हम लोगों ने बात कर लिया, और ये रोलिंग का बेसिक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। देखिए
ये क्या है? रोलर है। ये क्या है? सीट है। सीट ये इतनी जो लेंथ है ये एक्चुअली क्या होगा? सरफेस होगा, क्योंकि ये सरफेस है ना, तो ये भी क्या होगा? सरफेस होगा, सरफेस होगा ये विड्थ। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया है वो कितना है? विड्थ कितनी है? लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो जो कॉन्टेक्ट एरिया है रोलर का इस वर्क पीस के साथ वो कितना है? वो है, अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये लेंथ पता चल जाए और विड्थ हमें पता ही है डब्लू नॉट, ठीक है, तो विड्थ डब्लू पता है और लेंथ अगर पता चल जाए तो हम कॉन्टेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो लेंथ होती है इसकी वैल्यू होती है आर। अब ये कॉन्टेक्ट लेंथ है, ये एल क्या है? लेंथ क्या है? कॉन्टेक्ट लेंथ है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंथ। इसको यहां पर अलग से लिखते हैं, तो वेयर एल इज व्हाट? कॉन्टेक्ट लेंथ। कॉन्टेक्ट लेंथ मतलब ये इतनी लेंथ, आर्क की लेंथ, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंथ। अब अगर ये कॉन्टेक्ट, देखो विड्थ तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्टेक्ट लेंथ घटाओगे बढ़ाओगे तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा? घटेगा और बढ़ेगा। अब कॉन्टेक्ट एरिया, जो प्रेशर इस पर अप्लाई किया जा रहा है, इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायरमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कि प्रेशर इंटू कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट एरिया अगर बढ़ेगा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। कॉन्टेक्ट एरिया अगर घटेगा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो अब L जो होता है, कॉन्टेक्ट लेंथ जो होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हम लोग ड्राइव करके निकालते हैं R इंटू टी नॉट माइनस टी एफ रूट ओवर, ठीक है। टी नॉट क्या है? इनिशियल थिकनेस। टी एफ क्या है? फाइनल थिकनेस, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, कॉन्टेक्ट लेंथ का डिराइव किया जाता है ज्योमेट्री से, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि P इंटू एल इंटू डब्ल्यू इसको लिख सकते हैं। अब ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, यानी जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो किसके प्रपोर्सनल होगा? फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो किसके प्रपोर्सनल होगा? कॉन्टेक्ट लेंथ के प्रपोर्सनल होगा। अब आप कम फोर्स लगाना चाहते हो ज़्यादा, तो ऑब्वियस है कि हम डिफॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? कम फोर्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, कम फोर्स लगाना चाहते हैं। तो इस लेंथ को अगर हम घटा दें तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फोर्स इस लेंथ को घटा कैसे सकते हैं? उसके मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फोर्स में, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फोर्स। Methods of reducing force during rolling, ठीक है। देखिए पहला, जो best way है force को reduce करने का rolling के दौरान, वो है रिडक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट लेंथ, ठीक है। बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द फोर्स इज रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट लेंथ, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंथ में अगर हम लोग कमी कर देंगे तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे कम करेंगे यही देखना है, ठीक है। तो पहला, ये कैसे कम किया जाएगा, बाय रिडक्शन इन कॉन्टैक्ट लेंथ। कैसे होगा, बाय देखो कम डाया का अगर रोलर यूज कर लेंगे, छोटा रोलर अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाय यूजिंग स्मॉलर रोलर। दूसरा क्या है, अगर आप ये जो रोलर यूज कर रहे हैं उसी साइज का यूज करो लेकिन रिडक्शन कम कर दो। जैसे रिडक्शन अभी इतना कर रहे हैं ना हम लोग, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो रिडक्शन आप कम रिडक्शन करो तो इसका मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो लेस रिडक्शन पर पास। अगर आप इसकी वैल्यू को कम करते हो तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंथ कम होगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो लेस रिडक्शन पर पास। ये मेथड्स हैं किसको कम करने के, फोर्स को कम करने के, ठीक है। दूसरा मेथड है ये तो कॉन्टैक्ट लेंथ पर ये डिपेंड कर रहे थे। दूसरा मेथड है कि आप क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को कम कर दो बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन रोलर एंड वर्कपीस। लेकिन रिडक्शन मतलब फ्रिक्शन को क्या जीरो कर देना है या फ्रिक्शन को बहुत मिनिमाइज कर देना है, नो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही तो प्लेट आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो कम करके, ये बेस्ट वे नहीं है, बेस्ट वेज यही है, ठीक है। अभी हम लोग इसका महत्व तब समझ में आएगा आपको कि स्मॉलर रोलर यूज करेंगे हम लोग जब रोलिंग मिल्स वगैरह पड़ेंगे, ठीक है। देखिए बाय रिड्यूसिंग, इसको लिख लीजिएगा बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा बाय प्रीटेंशनिंग, ये क्या होता है, बाय प्रीटेंशनिंग ये क्या होता है, देखो जैसे ये प्लेट है, ठीक है, इसको हम लोग को रोल करना है। तो रोल करने के लिए जो पहले ग्रेन्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे, ऐसे ऐसे ग्रेन्स होंगे। अब हम अगर क्या करें, इन पर हमें कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा करके इनको डिफॉर्म करना है। अगर हम पहले से इनको खींच लेते हैं तो कॉम्प्रेशन के बाद भी ऐसे डिफॉर्म होता, और अगर खींच ले रहे हैं तब भी ऐसे डिफॉर्म होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी आर्टिकल का हमें रोलिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले खींच लेते हैं या प्री टेंशनिंग दे देते हैं। तो उससे जो होते हैं वो ग्रेन्स, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्म होना होता है उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, डिफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा करके आसानी से उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपका प्री टेंशनिंग। तो दीज आर द मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द फोर्स रिक्वायर्ड इन द रोलिंग प्रोसेस, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रोलिंग टाइप्स के बारे में, ठीक है। रोलिंग टाइप्स कितने, कौन कौन सी रोलिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। फिर उसका रोलिंग मिल पढ़ेंगे, रोलिंग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा।